एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं या जो बातें हो रही हैं वो उनका बेस अफवाहें हैं। अफवाहों के बेस पर ही सब बातें हो रही हैं। यहाँ तक कि एक न्यूज़ चैनल ने मुझे लाइव भी लिया एक इंटरव्यू के लिए और मुझे कहा गया कि आपकी यूनिट इस वक्त हनीमून शूट करे या लंदन में, आप प्लीज़ उस पर रिएक्ट कीजिए। सो आई वॉज शॉक्ड कि लंदन में, वो भी हनीमून, ना हमारे ऐसे कोई प्लान्स हैं। सो बात का तूल बनते बनते कहीं से कहीं बात जा रही है। और यहाँ सबसे अच्छी बात इस केस में ये है कि हमारे 20 एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके हैं, सारे सवालों के जवाब हमारे टेलीकास्ट हुए एपिसोड्स में छुपे हुए हैं। बस बात इतनी सी है कि लोगों को देखना है और उसके बाद जो निर्णय लेना है वो लेना चाहिए उन्हें। मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखें, और अफवाहों को हम हकीकत में या फैक्ट्स में बदलना चाहते हैं, इसलिए आज हम यहाँ हैं। सो नाउ आई हैंड ओवर इट टू शशि बिकॉज शी इज़ द राइटर ऑफ दिस शो, और जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बातें हैं, सवाल हैं, आई थिंक दैट्स बेटर इफ शी आंसर्स। एंड शशि की टीम यहाँ है, मौजूद है राइटर्स की, गरिमा है, वर्षा है, सीमा है। सो किसी भी तरह का आपको कोई भी मन में सवाल है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क अस। थैंक यू। करण वाही की ट्वीट पे हम चर्चा ना करें तो अच्छा है, क्योंकि उसमें, सॉरी मैं इंटरप्ट करूँगा, करण वाही की ट्वीट से स्टार्ट भी हुआ हो तो एक वही होता है कि हम जितने भी थोड़े से नोन या सेलिब्रिटी बोल लीजिए या नोन लोग हैं, उनका फ़र्ज बनता है कि वो फैक्ट्स की बात करें। करण वाही उस वक्त यहाँ था ही नहीं, न्यूयॉर्क में था, उसे पता ही नहीं है शो क्या है क्या नहीं, एंड जस्ट टू रिएक्ट ओपनली लाइक दिस, आई थिंक इट्स नॉट अ गुड वे टू प्रोजेक्ट, यू नो, टू आर इंडस्ट्री इन अ वे, टू द मीडिया और टू द ऑडियंस। वही मेरा कहना है कि शो देख के अगर वो सारी बात करेंगे तो मोस्ट वेलकम है, हर आदमी यहाँ पे फ्री है अपने व्यू शेयर करने के लिए। बस बात इतनी है कि देख के बात करें। अगर आप ये बात कर रहे हैं कि हनीमून लंदन में हो रहा है, सो उससे यू नो, सारी बात सामने आ जाती है कि लोग जानते कितना है शो के बारे में। देखिए, मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप हमारी कहानी को जानिए, किसने गेम ऑफ थ्रोन्स कहा, क्योंकि एक कहानी को इंटरप्रेट करने के सबके अपने अपने अलग तरीके होते हैं। हो सकता है किसी एक चीज़ से आप कुछ और लेकर आ रहे हैं, मैं कुछ और लेकर आ रही हूँ। सो जो कहानी है जिसकी हमने आपको एवी दिखाई, हमारा शो एक ऐसी लड़की की कहानी कहता है जो एक राजपूत रजवाड़े ख़ानदान से राजस्थान के बिलोंग करती है। 18 साल की लड़की है, जिम्मेदारियां उसने कभी नहीं ली, उसने एक छोटा से डिसीजन भी अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप से पूछे बगैर नहीं लिया, और उसके एक फादर फिगर टाइप आदमी है जिसने उनकी बचपन में जान बचाई थी। आज उनका इकलौता बेटा अनाथ हो चुका है, ऑलमोस्ट अनाथ होने की कगार पर है, और वो मरता हुआ बाप अपने उस बेटे की सुरक्षा के लिए उससे एक चीज़ मांगता है कि तू मेरे बेटे की पहरेदार बन जा, और उसके लिए यह शादी तुझे अधिकार देगी, रिश्ता देगी। अब वो ये मरते हुए उस आदमी की विश है, उस पर सही गलत का वाद विवाद वो तब करती जब सामने ज़िंदा होता, जिसके साथ आपके पास वक्त होता है, आप आर्ग्यू कर सकते हो क्या मैं ये करूँ क्या मैं वो करूँ, उसके पास गिने चुने पल हैं, उसमें उसकी ये विश है जिसके एहसान है मुझ पर। बीइंग अ हीरोइन, उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ इतना है कि इस 9 साल के अनाथ बच्चे की रक्षा की जिम्मेदारी मेरे इस फादर फिगर ने मुझे दी है, जो मुझे निभानी है चाहे किसी भी रिश्ते में बंध कर, और वो जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली। अपनी ज़िंदगी का वो बेस्ट सुनहरी भविष्य छोड़कर मेरी सगाई एक बहुत ही हैंडसम आदमी से होने वाली थी, जिसे मैंने छोड़ा, उस सब चीज़ों को छोड़ा जो मेरा बेटर भविष्य था, और एक ऐसी ज़िम्मेदारी ली है जहाँ मैं खुद दुश्मनों से घिरी हुई हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे लड़ूँगी, कौन है अपने ही घर में, कौन सा घर वाला मेरे इस रतन को मारना चाहता है, मैं कैसे ढूँढूँगी क्या करूँगी, मुझे कुछ नहीं पता, सामने सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। फिर भी उस एहसान के लिए और उस आदमी के ऊपर अपने विश्वास के लिए मैंने उसका हाथ थामा और उसके साथ मैं आई, और आज मेरी जर्नी यही है कि मैं अपना वो वचन निभाऊंगी, मैं ढूंढूंगी और मैं इस रतन की रक्षा करूंगी। ये कहानी है जो अभी तक 20 एपिसोड में दिखाई जा रही है, ये मेन कहानी। और जिसने ये कहानी देखी है, जिसने एपिसोड देखे हैं, उसने ये कहानी समझी है, कही है। अब
आप लोग सब इस कहानी को लेकर क्या करना चाहते हैं। मैं आपके सामने सबसे पहले एक दृश्य की बात करना चाहूँगी, जो सबने अभी सुमित ने कहा चर्चा में, लोगों ने बात की सुहाग रात, आप रतन और दिया की सुहाग रात दिखा रहे हैं। अरे हम लोग खुद एक ट्रेडिशनल फैमिली से आए हैं, आज तक हमारे सारे शोज़ कभी किसी तरह की ऐसी गलत चीज़ें वो नहीं करते। सुहाग रात दिखाई हमने, किस तरह दिखाई किसी ने नहीं देखा। इट्स लाइक मैं इतनी सारी लाइन बोल रही हूँ, उसमें से आप कट एंड पेस्ट करके एक चीज़ इस तरह की डालेंगे ताकि आपको सोशल मीडिया पे अट्रैक्शन मिले, आप 10 बातें कह पाए और वो एक पिक्चर पे बुक का कवर देखकर लोग अपने अपने रिएक्शन देते जाते हैं। ये कहानी में जब से ये लड़की इस घर में आई है, सबकी आंखों में खटक रही है। क्यों खटक रही है? क्योंकि इसे पहरेदार बना दिया है एक आदमी ने, और ये हमारी आंखों में खटक रही है। इसको तंग करने का, इसे परेशान करने का कोई मौका घर वाले नहीं छोड़ते हैं। आप प्लीज़ सुहागरात का सीन देखिए। बट आई डोंट थिंक सो कि जो कॉन्ट्रोवर्सीज डिजिटल पे या इस पे हो रही है, लोग देखने वाले लोग अपना आधा घंटा बिना कंटेंट पसंद आए नहीं देखते। आप मर्जी जितनी कंट्रोवर्सी कर लीजिए, बिग बॉस ये वो, कई शोज़ में हमारी कंट्रोवर्सीज होती हैं, आता आपके अपने उस पे ही टीआरपी आती है। आई डोंट थिंक कि ये हेल्प की या नहीं की इज़ अ इशू। हम आज जिस जगह बात करने आए वो है कि क्या ये कंट्रोवर्सी की रिलेटेड जो लोग बातें कर रहे हैं वो सही है या गलत है, अपने अपने बच्चों पर डिपेंड करता है। मेरी 9 साल की बेटी है, मेरी बेटी है, हमारी मतलब हमारी बेटी, तो ये तो पर्सन टू पर्सन है और आज की बात नहीं है, हमेशा से हर उम्र का हर बच्चा अलग होता है। कई बार 13-14 साल तक भी आपका बच्चा इनोसेंट होता है, कई बार नहीं होता, तो इट डिपेंड्स कि किस माहौल में अपब्रिंगिंग हुई है। अगर बच्चे ने कोई डिफ़िकल्टीज या उस तरह की चीज़ें जीवन में नहीं देखी हैं तो बहुत वक्त तक वो उन सब हालातों से दूर रहते हैं, माइंडसेट उनका बहुत न्यूट्रल और इनोसेंट रहता है। इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन देयर अपब्रिंगिंग। जी हमने भी सुना ही है, अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ आई नहीं है लिखित रूप में, बट अगर आई भी होगी या आएगी तो हम अपना टेक वहाँ भी क्लियर करेंगे, बिकॉज वी नो वॉट वी मेड एंड वी आर कॉन्फिडेंट इनफ। मुझे नहीं पता शायद सब लोगों को कंट्रोवर्सी के लिए कौन सा पॉइंट मिला, क्योंकि हमारा तो कभी भी ये मकसद था ही नहीं कि हम कुछ ऐसी चीज़ करें जिससे कंट्रोवर्सी आए। हमारी कहानी डे वन से यही थी और यही हमने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। तो नॉट मी, लोगों पर वही मैं कह रही हूँ, जिन्होंने मिसजज किया उन्होंने तो देखा भी नहीं शो। आई हैव सो मैनी पीपल जिन्होंने पिटीशन साइन की हैं और जो मैसेज में मुझे कह रहे हैं एंड बहुत प्राउडली कहते हैं कि वी डोंट वॉच टीवी बट इट्स वेरी सैड व्हाट यू आर शोइंग एंड आई एम शॉक्ड टू देम बिकॉज दे आर रिएक्टिंग ऑन दैट वन पिक्चर ऑफ सोशल मीडिया एंड फ्रेंड्स की गैदरिंग में। आपने देखा है किस तरह का शो आ रहा है, उसमें ऐसा दिखा रहे हैं, हाँ ऐसा दिखा रहे हैं, वेरी बैड, चलो मैंने भी साइन कर दिया। फैक्ट्स कहाँ है किसी के पास? और जो देख रहे हैं, जो लोग कंटिन्यूस देख रहे हैं, वो लोग भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आपके शो में कहीं कोई वो नहीं है, इट्स सो इंस्पायरिंग। जो आपके मेड और इन सब के जो हमारे घर के लोग होते हैं वो भी ये बोल रहे हैं। कल ही मुझे मेरी उसने कहा कि देखिए ज़्यादा पैसा भी कितना गलत होता है ना, ये इतना पैसा इसके बिचारी के जान का दुश्मन बन गया। सो दे कैन ऑल्सो सी कि इस शो में दिखा क्या रहे हो आप। बट अगर मुझे एक चीज़ को बड़ा करना है, तिल का ताड़ बनाना है, तो फिर तो मैं किसी भी मुद्दे को पकड़ के बना सकती हूँ। जी जिन्होंने देखा है और वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं उनका अपना राइट है, वो ज़रूर करें। बट जो आप कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ दिखाया, बिल्कुल नहीं दिखाया। अगर ये सीन, मैंने आज से पहले बहुत सारे शोज़ लिखे हैं जिनमें लव सीन्स लिखे हैं, इस तरह से एक लड़का, अगर एक लड़की कॉकरोच से डरी तो वो तो ये देख के नहीं डरी कि 9 साल का बच्चा मेरे पीछे पड़ा है, वो तो गिरी जाती। बच्चे ने देखा वो गिर जाती, उसने जाके पीछे से पकड़ लिया और वो देख के ये नहीं कह रहा है या चुन्नी नहीं उड़ रही है, वो यही कह रहा है बहुत भारी हो भाई, मैं खड़ी हो जा, मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। इट्स दैट इनोसेंस जो हम सब ने अपने घरों में, मतलब मुझे लगता है मैं खुद एक इस तरह के परिवार से आई हूँ, ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव, तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती हूँ। आज हमारे घर में शादियाँ होती हैं, सब कुछ होता है, बच्चे आते हैं, हम उनके सामने सुहागरात का कमरा सजाते हैं, बच्चे घुसते हैं उसके अंदर, देखते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पूछते हैं हमसे ये क्यों सजा रहे हैं।
हम जवाब देते हैं, हम तो अनकंफर्टेबल नहीं होते उस वक्त, या हमने प्रथा बदल दी कि अब से बच्चे सवाल करते हैं, हम बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, चलो कमरा मत सजाओ, सजा रहे हैं, मैं छोटी थी तब से सजा रहे हैं, आज मैं शादी में जाती हूँ मेरी बच्ची पूछती है ये कमरा क्यों सजा रहे हैं, मैं सेम उसी तरह जवाब घुमाती हूँ। सो दिस इज़ द थिंग्स वी टॉक अपने घरेलू जीवन में। हनीमून के लिए जो हम बात करते हैं, हर कपल जाता है, बैग पैक होते हैं, लोग पूछते हैं अरे हनीमून के लिए यहाँ जा रहे हैं ये जा रहे हैं, यही वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। हम कब कहते हैं कौन सा बच्चा कि कहाँ जा रहे हैं, अरे वो हनीमून जा रहे हैं। ना बच्चा कभी पूछता है हनीमून क्या है, आधे से को शायद पता होता है, जिसे नहीं पता वो ध्यान नहीं देता, जिस भी तरह से, बट दीज आर कॉमन वर्ड्स, वी नेवर शाय अवे फ्रॉम दिस कि हम ऐसा क्यों कहते हैं अपने घरों में। अभी आपने ये सीन भी अगर देखा तो हनीमून हो या सुहागरात हो, लड़की ने तो आकर अपनी सेज नहीं सजाई है, ना लड़के ने सजाई है कि मैं आके बैठूंगी घूंघट डाल के। ये जो कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही कहा कहानी हमारी ये है कि वो लड़की सबकी आंखों में खटक रही है, उसे किसी न किसी तरह उसका आत्मविश्वास डगमगाना है, उसे शर्मिंदा करना है, उसे किसी भी तरह नीचा दिखाना है, इसलिए लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, घर के लोग बच्चे की दिमाग में डाल रहे हैं क्योंकि तूने शादी की है। उन्होंने मुंह दिखाई पर भी उसका मजाक उड़ाया, पूरा डांस ही इस तरह कहा, जो हमारा एक फोक सॉन्ग है राजस्थान का बालम छोटो सो, उस फोक सॉन्ग को लेकर उन्होंने उसका मजाक भी उड़ाया मुंह दिखाई पे, सुहागरात पे भी इस तरह उसका मजाक उड़ाया, हनीमून पे भी इसी तरह बच्चे को मैनिपुलेट किया कि अरे मैं तो गया था, मैं और शिवानी तो गए थे, मैं और साक्षी तो गए थे, तुम दोनों क्यों नहीं जा रहे हो, तुम्हारी भी तो नई नई शादी हो रही है। बच्चा बेचारा बच्चा है, वो सोचा हाँ नई नई शादी होती है, उसे जिस तरह मैनिपुलेट किया गया इस वजह से वो जाकर ये बात करता है। लड़की कभी, एक 18 साल की जिम्मेदार लड़की ने कभी उसकी बातों को रेसिप्रोकेट नहीं किया कि अच्छा अच्छा हम जाएंगे, शी नेवर सेड, शी कैन अंडरस्टैंड कि ये सारे घर के लोग मेरे छोटे से 9 साल के बच्चे का दिमाग ख़राब कर रहे हैं। दैट्स द पर्पस, दैट्स द ड्रामा, बिकॉज घर के लोग दुश्मन हैं, विच वी हैव शोन। हमने ऐसी कोई चीज़ ना दिखाई ना हम प्रमोट कर रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो आपका है कि आप बाल विवाह को प्रमोट कर रहे हैं, मैंने पहले ही आपको कहा कि ये कहानी बाल विवाह की है ही नहीं, हमने कहीं नहीं दिखाया है कि ये एक प्रथा है और एक लड़की इस तरह शादी करती है इस खानदान में। स्टोरी इज़, एक मरता हुआ आदमी मुझसे ये वचन मांग रहा था, उसके मुझ पर एहसान है, मेरी ज़िंदगी उसकी दी हुई है, वो मुझसे ये मांग रहा है उसकी पहरेदार बनने के लिए, एक रिश्ते में बंधवा रहा है मुझे, मैं या तो बहस करूं और उसे मर जाने दूं, या मैं उसकी बात मानकर उसे संतुष्टि दूं, उसे ऐसी मौत दूं कि वो खुश है कि मेरा बच्चा जो अनाथ हो गया वो अनाथ नहीं है, मैंने उसके लिए एक पहरेदार खड़ा कर दिया। कहानी ये है, इसमें बाल विवाह को हमने कहीं नहीं कहा है कि राजस्थान में ऐसी प्रथा है या ऐसा होता है या लड़की को ज़बरदस्ती किया गया। लड़की के माँ बाप आपने देखा मना कर रहे हैं, मत कर, तेरा भविष्य गलत है, सब कुछ गलत है। लड़की का डिसीजन है कि मैं, जिस आदमी ने मुझे ज़िंदगी दी है, आज अगर उस आदमी को मेरी ज़रूरत है, किसी भी रिश्ते में बंध कर वो मुझसे एक वचन मांग रहा है, मैं वचन देती हूँ और वो वचन मैं निभाऊंगी। ये कहानी उस लड़की के वचन की है। किसी भी किस्म के बाल विवाह को हम इसमें प्रमोट नहीं कर रहे हैं। कैसे कह रहे हैं हम कि ये बाल विवाह है? एंड द फादर हिमसेल्फ सेड दैट आफ्टर 12 इयर्स योर मैरिज विल बी वैलिड। फादर हिमसेल्फ सेइंग दिस थिंग बिकॉज ही नोज दिस इज द प्रोटेक्शन पीरियड फॉर द किड राइट नाउ। नहीं, जिस दिन कंट्रोवर्सी देखने वाले लोगों से आएगी उस दिन हमें डरने की बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हमारे पास इस तरह के मैसेजेस और ये आ रहे हैं कि आप जो दिखा रहे हैं, अभी सुबह भी 4 मैसेज आए हैं कि हमने पूरे देखे बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सी, हमने सारे एपिसोड नेट से देखे हैं और आपने कुछ भी गलत नहीं दिखाया। 20 एपिसोड टेलीकास्ट हो गए, आज 21st एपिसोड टेलीकास्ट होगा। ये तो जनता के ऊपर है जी, जब तक प्यार देते रहेंगे चलते रहेंगे। फिलहाल वी आर बाउंड टू मेक 265 एपिसोड फॉर अ ईयर। एंड मैं ऐसा कह नहीं सकती कि सबने बगैर देखे किए हैं, पर जितनी उनकी बातें सुनती हूँ कई लोगों की, कई लोग मुझे खुद मिलते हैं। अभी पीछे मुझे 4 दिन पहले मैं एक पार्टी में गई थी जहाँ लोग मुझे इस तरह जानते नहीं थे और उन्होंने इस चर्चा को शुरू किया कि डू यू नो एक शो आ रहा है ऐसा वैसा वैसा, एंड आई वॉज क्वाइट कि ये मेरा शो है, एंड दे वर ऑल सेइंग द सेम थिंग कि ऐसा दिखा रहे हैं ऐसा दिखा रहे हैं। और मैंने उनसे वही पूछा कि आपने देखा? नो, आई डोंट वॉच टीवी, और बात ख़त्म हो गई। वहाँ जितने लोग थे उनमें से कुछ लोगों ने साइन किया था लेकिन देखा नहीं था। सो ऐसे होंगे बहुत लोग, बहुत लोग अगर देख के कर रहे हैं वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन
जो बगैर देखे कर रहे हैं, ऐसे लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली गोइंग टू आस्क माई ऑफिस टू सेंड हिम अ लेटर, यू नो, रिक्वेस्टिंग हिम दैट वाई ही हैज़ गिवन द स्टेटमेंट, एंड इफ ही हैज़ गिवन ही मस्ट हैव सम प्रूफ और समथिंग टू टेल अस। इफ आई गेट एन आंसर फ्रॉम हिम आई विल शेयर विद यू। अब ऐसा है कि बेचारे सादे सीधे लोग हैं, आज तक कभी मीडिया से इंटरेक्शन हुआ नहीं, अचानक इतना सारा मीडिया जब बात करने लगता है तो हर आदमी समझ नहीं पाता, बौखला भी जाता है और कुछ चीज़ उन्हें समझ आती है। बट सेट पर अगर आप बात करें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। डे वन से दे आर फ्रेंड्स। जिस तरह आपके वो 9 और 18 साल के बच्चों की एक केमिस्ट्री होती है, वो उसी तरह हंसते हैं, खेलते हैं, वो उसको पढ़ाई में मदद कर देती है कभी जब वो बुक्स लेकर आता है। सो एवरीथिंग इज़ वेरी नॉर्मल, नोबडी इज़। ये तो इतनी बातें क्योंकि लोगों ने कर करके कर दिया, तो थोड़ा बहुत कई बार बच्चा है वो हो जाता है, बट अदरवाइज ही इज़ वेरी स्वीट किड। प्लॉट को तो किसी तरह से कोई अफेक्ट नहीं कर सकता, नो वन, ओनली ऑडियंस का रिस्पॉन्स ही प्लॉट को अफेक्ट कर सकता है। आई डोंट थिंक सो कि टीवी इंडस्ट्री में बहुत जनों ने सपोर्ट भी किया है, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया और बहुत लोगों ने किया है। हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, चाहे हम टीवी इंडस्ट्री में हो चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, अगर उन्हें कुछ लगता है और बोलने का मौका मिलता है, उन्होंने कहा होगा नो, बिकॉज हमने कहा नहीं, कहानी है ही नहीं। अगर एक आदमी ने ये वचन मांगा और वो कह रहा है लीगल नहीं है, मेरे लिए कर दे, तो क्या करती मैं उसके साथ बैठ के जब वो बेड पे पड़ा है, मैं ये बातें तो नहीं करती कि सुनियो देखो ये फिर बाल विवाह हो जाएगा, ये हमारे देश में ऐसा है, वो कह रहा है बैन नहीं, बैन है, गलत है, मेरे बेटे की रक्षा के लिए कर दे। कहानी तो ये है, वो कह ही नहीं रहा है कि मैं इससे बाल विवाह को प्रमोट कर रहा हूँ या हमने किसी तरह के किसी माँ बाप ने ये किया हो, कुछ भी नहीं। ये उस मरते हुए आदमी को लगा कि मैरिज इज़ द ओनली सॉल्यूशन, इस उसकी अपनी फीलिंग थी। वो किस हक से उसको उस घर में रखता, क्या बोल के उसको उसकी पहरेदार बनाता? उसे उस वक्त नीड ऑफ आर में, समटाइम्स हम जिस वक्त होते हैं कि हमारे पास 15 मिनट का वक्त है, हमारा दिमाग हर चीज़ सही ही सोचे ज़रूरी नहीं है। वो सेल्फिश बाप था, उसने जो ज़िंदगी चुनी दिया के लिए, अपने बेटे की सुरक्षा के लिए चुनी, हल्का सेल्फिशनेस उसमें आया, बट उस वक्त उसको नीड ऑफ आर में यही सूझा कि ये एक लड़की है जो मुझे शार्प दिखती है, मुझे इसमें ब्राइट दिखती है, ये मेरे बच्चे को बचा सकती है और कोई नहीं, उसने ये मांग कर ली। ये उस आदमी को नहीं सूझा जो मर रहा था। प्लस जो आप बोल रहे हैं, अगर वो भी वो बन जाती, वो एक 18 साल की लड़की को आज 12 साल की तपस्या दे रहा है कि ठीक है 12 इयर्स बाद तेरी मैरिज हो जाएगी तब तू हैप्पी होगी। माँ बना के वो उस लड़की को क्या ज़िंदगी देता? कुछ भी नहीं। कि तुम 18 साल की उम्र में तुमने कोई सुख नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला, तुम सीधी माँ बन जाओ मेरे बच्चे की और सब कुछ त्याग दो, अपने जीवन के सारे सपने सारे अरमान त्याग दो। आज तो उसने सिर्फ 12 साल की तपस्या दी है। अभी तक TRP अगर 2-3 आ जाती तो मैं आपकी बात समझती। अभी जो TRP आई है वो तो हमें लगता है हमारे कंटेंट के बलबूते पर ही आई है। जिस दिन आ गई तो फिर सर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हम। पॉसिबिलिटी है क्योंकि तब तो शो प्रोग्रेसिव हो जाएगा ना, 21 साल का लड़का और 30 साल की लड़की तो प्रोग्रेसिव शो होता है। बट मुझे अगेन यही नहीं समझ में आ रहा है कि आज हम कहाँ हैं देश में। अच्छाई करना रिग्रेसिव कैसे हो गया? मुझे यही नहीं समझ में आता कि आप सब लोग बैठे हैं, आप किसी का भला कर रहे हैं, कोई मरते हुए आदमी को एक ज़िंदगी में वचन दे रहे हैं, ये रिग्रेसिव कैसे है? अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जिस देश में हम रहते हैं हमने ऐसी कहानियाँ पढ़ी है कि हमारे ही देश में एक राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी, भाई बनाया था, बिकॉज उसको ज़रूरत थी उस वक्त हुमायूं की, उस जगह को बचाने की। कई लोग थे, राजा तो बहुत सारे थे, एक मुगल शासक को क्यों भेजा उसने? वो ज़रूरत थी और वो आया भी। आज हम उस कहानी को सुनाते हैं लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि देखो ऐसा होता है भाई बहन का रिश्ता। अगर कोई किसी की अच्छाई, हाँ पर अगर अच्छाई के लिए ब्रदर सिस्टर या शादी कुछ भी हो सकता है ना, आप कैसे मानते हैं? बट हाउ इट्स इररिस्पॉन्सिबल। आप अगर दिया की जगह होती, आपकी ज़िंदगी किसी ने बचाई होती और वो आदमी मरता हुआ आपसे कहता कि प्लीज़ मेरे बेटे के लिए कर दे, आप क्या करती? बट अगेन मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है क्रीपी। आप कौन से
नॉट एट ऑल, हमने ऐसी कोई बात नहीं बताई जो रोज़मर्रा के घरों में नहीं होती, हमारे घरों में होती है ये बातें। आप अपने भाई के सुहागरात का कमरा घर में सजाती हैं कि नहीं सजाती हैं? उस वक्त आपके बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं आप क्या जवाब देती हैं? तब आपने बंद कर दिया कि नहीं अब से कमरा नहीं सजेगा? हर घर में हमारे देश के छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़े शहर में सजता ही है। हम खुद लाके फूल लगा के सजते, सारे बच्चे घूमते हैं उस कमरे में। पर मुझे ऐसा लगे मैं कुछ गलत दिखा रही हूँ, जैसे मैंने आपको बोला, इफ़ आई फील कि मैंने कोई ऐसी चीज़ दिखाई है जो हम घरों में बात नहीं करते, जिसको बात करने में हम अनकम्फर्टेबल होते हैं, तो मैं ज़रूर मानती कि हाँ ये चीज़ हमने फिक्शनल तौर पर दिखाई है और वैसे ये मेरा सोच नहीं थी। आई एम द फर्स्ट पर्सन जो आके आपको ये कहता। क्या बात कर रहे हैं, कि कैसी बात कर रहे हैं? मैंने तो टेलीविजन पे बहुत कुछ ऐसा देखा है जो एडल्ट है। सीरियल्स आल्सो, बट कहाँ है हनीमून सीन? पर कहाँ है हनीमून सीन? वही मैं कह रही हूँ कि आप सब फैमिली मैन हैं, सबके घरों में हैं, अगर आपके यहाँ शादी होती है, कपल घूमने जाता है, आप बोलते हैं कि नहीं वो हनीमून गए हैं? सब बोलते हैं एयरपोर्ट पे, इस पे, उस पे, ये हनीमून पे जा रहे हैं। अरे आपके उनकी शादी, हनीमून कहाँ जा रहे हैं? दिस इज़ द कॉमन वर्ड वी यूज़, इसमें क्या गलत है? नहीं पर हमने नहीं दिखा, आपने आपने देखा है हनीमून सीन? नहीं नहीं, आपने देखा है हनीमून सीन? नो नो, ऑफकोर्स नहीं, आपने हनीमून सीन देखा है? बिकॉज देन ओनली वी कैन डिस्कस। अगर आपने देखा है डेफिनेटली आई विल डिस्कस। जिसको आप हनीमून सीन बोल रहे हैं वो क्या है? द वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर दैट वी आर मेकिंग अ ड्रामा, राइट? इट्स अ शो, इट्स अ फिक्शन सीरीज। व्हाट विल बी द रोल प्ले ऑफ द नेगेटिव फोर्स इन द शो इफ दे विल नॉट हाईलाइट द थिंग्स विच आर गोइंग टू टर्न रॉन्ग और मेक दियर वीकर? व्हाट विल बी देयर रोल? They are doing exactly the things which are making your main lead uncomfortable. They are playing on these cards only. नहीं, और सेम चीज उन्होंने की मुंह दिखाई पे, जहां उन्होंने उसको गोल्ड डिगर तक बोला, ये किसी ने बोला ही नहीं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की किसी ने। द सेम थिंग्स दे आर डूइंग, मुंह दिखाई पे चिढ़ा रहे हैं, फर्स्ट नाइट पे इस तरह चिढ़ा रहे हैं, हनीमून बोल के चिढ़ा रहे हैं, कुछ हो तो रहा ही नहीं है। इट्स जस्ट वर्ड जो आप कह रहे हैं ना, वी आर यूजिंग द वर्ड जो हम घरों में यूज करते हैं, नट थिंग बियॉन्ड दैट। ये जो आप बोल रहे हैं ये मैंने इन जनरल इस तरह भी देखा है कि जब जो आप बोल रहे हैं घरों में जब शादी होती है, जेवर आते हैं, कपड़े बनते हैं, जब एक बहुत अटेंशन मिलता है चीज़ों को, तब भी बच्चे बोलते हैं शादी में इतनी सारी चीज़ें मिलती है, मेरी भी शादी करा दो। मेरी थिंक कुछ चीज़ अगर आप देखते हो बच्चे के अपने पर्सपेक्टिव से बोलते हो, और हम समझाते हैं कि ये एज होती है, ये नहीं होती है, यही चीज़ वो यहाँ दिखा रहा है। हम शो में भी यही समझा रहे हैं कि ये एज नहीं है, ये सर्कमस्टेंसेज है जिसकी वजह से ये हुआ। हम वापस उस पर आ रहे हैं ना कि हम कोई ऐसा सीन दिखाएं तो किसी की साइकोलॉजी पे अफेक्ट पड़े ना, हम तो उसको दिखा ही रहे हैं, दोस्त है, कोई ऐसी बात ही नहीं है कि वो ऐसा कर रहा है, रोमांस कर रहा है, हनीमून मना रहा है लंदन जाके, लंदन जाते तो हम भी जाते ना, बट ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा है तो उसकी साइकोलॉजी पे क्या अफेक्ट पड़ेगा? एंड बोल लीजिए या करेक्ट एनवायरनमेंट फॉर द किड ऑन द सेट, यू नो, ऑल दीज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ वेरी वेल। So that's very important for us as well, because he's shooting day and whole day with us, his parents or including us, we all are responsible for the kids, you know, welfare or health or mindset or everything. We are constantly working on that. It's not that we are just asking him to shoot, just say the lines and go away. No, we are just handling that age very well, I can say. This is a, I think we are in profession, we are going to make the shows which we feel that will deliver, right? First of all, not this show only, every show. And for the concept selection, this is the last thing we think ever. It's going to be a hit. No. We love to tell the stories which we love to create. Simple. इतना एडवांस में हम सोचना नहीं चाहते हैं, हमारा इस वक्त फर्ज सिर्फ इतना है कि हमारे फैक्ट सामने रखना, जैसे हम आज आपके सामने रख रहे हैं वैसे ही हम BCCI के सामने भी रखना चाहेंगे, मिनिस्ट्री के सामने भी रखना चाहेंगे, उन्हें भी रिक्वेस्ट एक ही बात की करेंगे कि एक बार आप प्लीज़ कंटेंट देख लीजिए, उसके बाद जो भी उनका निर्णय होगा वो सर आँखों पे, और उसके बाद का जो भी
डिस्कशन है उसके बाद होगा, अभी से करने का कोई लॉजिक ही नहीं है उसको।